हाय गाइस, आज मैं बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है। जैसे कि कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन होता है कि BBS क्या होता है गाइस, बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है। ये साइट इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे फ्रेशर गाइज हैं जो अभी पास आउट हो रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइज हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, उससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें सिविल करियर, और बेल आइकन को दबाएं। और मैं नया नया वीडियो अभी जल्दी में बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूं इसी साइट के बारे में। साइट पे ही काम करता हूं, साइट के बारे में बहुत बहुत वीडियो लाने वाला हूं गाइस। चलिए मैं बताने जा रहा हूँ वार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, BBS क्या होता है। व्हाट इज़ अ BBS? वार बेंडिंग शेड्यूल इज़ द प्रोसेस ऑफ वार बेंडिंग शेड्यूल इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार इन टू द रिक्वायर्ड शेप। मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल BBS क्या होता है? BBS ये होता है जो हमारे जैसे मेरा कोई बीम है, बीम में कितने का हमको कितने लेंथ का सरी स्टील चाहिए, उसमें एल कितना होना चाहिए, उसी को तो BBS बोलते हैं। मतलब BBS क्या होता है? बार बेंडिंग शेड्यूल इज द प्रोसेस ऑफ, एक प्रोसेस होता है कटिंग और बेंड करने का रेनफोर्समेंट को, जो मेरी रिक्वायर्ड शेप होती है, जो मेरी रिक्वायर्ड लेंथ होती है, उसको BBS बोलते हैं इजी वे में। अब मेरा क्या होता है गाइस, स्टील स्टील थ्री तीन टाइप का आता है, Fe 250, Fe 415, Fe 500। जो 250 होता है उसको माइल्ड स्टील बोलते हैं, 415 होता है एच बाई एसटी स्टील बोलते हैं, 500 होता है उसको एच बाई स्टील, इसको ही बोलते हैं एच बाई एसडी। ये माइल्ड स्टील आजकल यूज नहीं होता गाइस, सच सच बताऊँ आपको, ज़्यादातर हम लोग 415 और 500 ही यूज़ करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्टील इज यूज्ड एज ए रेनफोर्समेंट बार। हमारी वेल्डिंग में स्टील ही क्यों यूज करते हैं, कभी आपने सोचा है गाइस इसके बारे में? तो अगर नहीं सोचा तो प्लीज़ इसके बारे में आप सोचिए, इसके बारे में जानिए, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को कवर किया है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, मुझसे ही पूछा गया, स्टील ही हम इसमें यूज क्यों करते हैं गाइस। क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी क्या है स्टील का, कंक्रीट इज़ वीक इन टेंशन। हम स्टील क्यों को यूज़ करते हैं वो मैं बता रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ। कंक्रीट वीक होता है किसमें, टेंशन, टेंशन जोन में कंक्रीट वीक होता है। स्टील यूज्ड एज ए टेंसाइल सपोर्ट फॉर द RCC मेंबर। स्टील हम इसलिए यूज करते हैं कि टेंसाइल सपोर्ट आए RCC मेंबर पे। क्या होता है कि अगर हम कंक्रीट ही अगर कंक्रीट से हम स्लैब बना दें, उसमें स्टील नहीं डाला, तो हमारा जो लोड आएगा कंक्रीट क्रैक कर जाएगा। मतलब कंक्रीट में क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता ही नहीं है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं गाइज, स्टील को प्रोवाइड करते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मेरा प्रॉपर्टी है, कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन करेक्टरिस्टिक इज सिमिलर टू कंक्रीट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान रखना, कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन, जो कोफिशियंट होता है कंक्रीट का गाइस और स्टील का, वो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसलिए हमें स्टील को यूज़ करना बेटर माना जाता है, ठीक है गाइस। और क्या होता है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं कि कॉस्टली कम होता है, दूसरा अगर मैं किसी भी और मटेरियल को यूज़ करूँ वो कॉस्टली पड़ेगा, स्ट्रेंथ भी अच्छा देता है और गुड स्ट्रेंथ आता है, इकोनॉमिक डिजाइन होता है RCC स्ट्रक्चर का, ये सब बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। बट मेन जो प्रॉपर्टीज होता है आपको जो इंटरव्यू में बताना है वो क्या बताना है गाइस, कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन करेक्टरिस्टिक सिमिलर टू कंक्रीट। अगर मेरा कोफिशियंट 1.15 होता है कंक्रीट का, तो ऑलमोस्ट 1.5, ये क्या बोलते हैं, लगभग सेम ही होता है। ये मैं एक एग्जाम्पल की तरफ से बता रहा हूँ, कोई स्पेशल नहीं है। तो कोफिशियंट का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा एल टी, तो अल्फ़ा की वैल्यू होती है 1.2 × 10⁶ पर डिग्री। ओके गाइस, एक और मैं एक टॉपिक कवर कर दूं गाइस, जो रिब्स और लंग्स क्या होते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूअर पूछते हैं रिब्स और लंग्स क्या होते हैं। तो गाइस रिब्स क्या होता है, जो मेरा ये स्टील बार हो गया, सपोज ये मेरा स्टील बार है, ये स्टील बार में ये जो होता है एक क्रॉस हेयर जो होता है ना, ये मेरा रिब्स होता है, और ये इसके सेंटर से एक वो जाती है लाइन, साइड्स उभरा हुआ सतह होता है, सॉरी फिर से मैं आपको बताऊं, ये रिब्स हो गया गाइस,
इसके ये जो पार्ट होता है यहाँ पे उभरा हुआ सतह होता है, इसको रिब्स बोलते हैं। तो गाइस क्या होता है, 415 जो स्टील होता है ना, Fe 415, उसमें रिब्स ही होते हैं, लंग्स नहीं होते हैं। Fe 500 में क्या होता है गाइस, रिब्स और लंग्स दोनों होते हैं, रिब्स और लंग्स दोनों होते हैं गाइस। दूसरी बात यह है, कभी भी अगर मैं BBS बनाऊँ और मेरा कटिंग करना है किसी को, स्टील को मेरे कटिंग करना है, तो गाइस कभी भी है ना लंग्स की तरफ से किस कोई भी स्टील को प्लीज़ मत मुड़वाना, उसमें क्या होगा रप्चर की कंडीशन ज़्यादा आएगी और क्रैक पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। IS कोड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, IS 456-2000 के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ गाइस। कभी भी आप रिब्स जो लंग्स होते हैं उसकी तरफ से वेंट मत करवाना, उसमें क्या होगा स्ट्रेंथ प्रॉब्लम होता है गाइस IS कोड के हिसाब से। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू सो मच। चैनल अगर पसंद आया हो मेरा समझाना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सिविल करियर चैनल को।